मैं सोच रहा था यार, नवाज शरीफ यार तू तो मुल्क की कौम की खिदमत कर रहा था, ये क्या वजह है कि आज तुझे ये मुकदमे भुगतने पड़ रहे हैं? क्यों हुआ ये सब कुछ? हमारी तकरीबन 50 पेशियां हो गई हैं कोर्ट में। सर मैंने फंडामेंटल राइट का काम नहीं किया, तो गलत काम कर। नवाज शरीफ को सजा किस बात की भी दी जा रही है? मुझे सुन के हैरत होती है, किस बात की सजा की जा रही है? हम मावराए आइन कुछ करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ में तनख्वाह नहीं मिली बेटे से ज्यादा, जाओ चुप्पी। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं आया सर। वो ऐस कल तो वज़ीरे आज़म निकलते होंगे ने। मुझे बताइए कि क्या मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इतनी रैम्पेंट थी सोसाइटी में? ऊपर से जाली मुकदमे बना दिए। हम दबाव कबूल नहीं करेंगे किसी का। काश के ये मुकदमा जो चल रहा है ये बड़ा राज टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता। माशाल्लाह बड़े जयद नकाद हैं आप। मैं तो चाहता हूँ बड़ा राज कौन इसको टेलीविजन के ऊपर देखे। जरा जाके देखिए 160 केसेस को आप जरा 6 घंटे। मुकदमा सरासर झूठ पर मबनी है। इंसाफ करना है, इंसाफ कंप्यूटर से नहीं होना, इंसाफ अकल से होना है, कानून से होना है, कानून को अप्लाई करके होना है। ये भाई आप भी देखते हैं कि वहाँ क्या फ्रॉड हो रहा है। बड़े भाई को शर्मिंदा मत होने देना। नवाज शरीफ ने आज तक ईमानदारी के साथ काम किया है। जब वो बंडल देखता हूँ मैं केसेस का, मुझे बताइए कि उनको मैं क्या जाके रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ? किस बात का मुकदमा चल रहा है, किस बात का? कि इंसिनरेटर लगा के उस सारे मुकदमात को जला दूँ? उस वक्त से मुकदमा चल रहा है, उस वक्त का मुकदमा चल रहा है जब मैं स्कूल में था। मेरी बिल्कुल ड्यूटी है और मैं आज परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। मुकदमा 1962 से चल रहा है, 62 से, जब नवाज शरीफ 12 साल का था। सर गुजारिश ये है कि पहले अपने ऊपर वो कैफियत तारी करें जिसमें कौम की खिदमत का जज्बा हो। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। बताओ मुझे, आप बताओ, मैं पूछने आया हूँ आप। जिस वोट की आप कदर और इज्जत के लिए फरमाते हैं उसको वोट और कि कदर और अजमत और इज्जत ये है कि आप लोगों की खिदमत करें, उनको वो हक दें जो आइन ने उनको प्रोवाइड किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने असूलों से पीछे नहीं हटना। आज मैं आपको ये अंदिया और आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस नहीं होंगे जिस दिन ये किसी इस तरह का हम पे शक फूल मारा। मैं जुल्म का मुकाबला करूँगा, मैं ज्यादती का मुकाबला करूँगा, मैं नाइंसाफी का मुकाबला करूँगा। I will be the Chief Justice of this country as a passion. आजकल अदालत में रोजाना इनका झूठ बेनकाब हो रहा है। तो मैं अपनी जात को लानत भेजता हूँ, मेरी जात ही कुछ नहीं है इस मुल्क और इस मुल्क कौम के लिए। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी रुपए पे, लानत भेजता हूँ मैं कमीशन पे, किकबैक पे, करप्शन पे।